नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज थाने की पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। गाजीपुर की सदर सीट से बीजेपी एमएलए संगीता बलवंत ने नंदगंज पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी एमएलए संगीता बलवंत ने आज अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची और एक मामले में पुलिस कार्रवाई पर एतराज जताया। बीजेपी एमएलए ने एक वृद्ध की हत्या के मामले में परिजनों को ही मुलजिम बनाने पर एतराज जताया। उन्होंने पुलिस को सही कार्रवाई की हिदायत दी। मामला नंदगंज क्षेत्र के किसोहरी गांव का है, जहां पिछले 30 अप्रैल को एक वृद्ध का शव खेत में मिला था। मृतक के परिजनों ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कराने वाले परिजन को ही हत्या के आरोप में जेल भेज दिया, जिसकी जानकारी पर बीजेपी एमएलए आज थाने पहुंची और वादी को ही मुलजिम बनाने पर एतराज जताया। उन्होंने पुलिस को निष्पक्ष जांच का पर कार्रवाई की हिदायत दी। अब देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि जहाँ कहीं अन्याय हो, जहाँ कहीं निर्दोष पे कोई कार्रवाई हो, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़े। आज हमारे भी विधानसभा में एक ऐसा प्रकरण आया कि जिसके लिए मुझे थाने तक आना पड़ा। आपको ज्ञात होगा, आप जिले के मीडिया कर्मी हैं, 3 साल पूर्व एक घटना घटी थी, जिसमें एक सत्येंद्र कुमार बिंद, जो कि किसोहरी ग्राम सभा का लड़का था, पढ़ने लिखने वाला लड़का था, वो गांव में कोटेदार की अनियमितता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उसने तमाम जगह अपनी शिकायतें दर्ज कराई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो वो डिप्रेशन में आकर उस लड़के ने आत्मदाह कर लिया और मरते समय उसने ये अपना बात रखा कि किसके वजह से मुझे आत्मदाह करना पड़ा, और उस प्रकरण को बंद कर दिया गया। मरते समय वो लड़का बयान दे रहा है कि किसके कारण मैं आत्मदाह करने को विवश हो रहा हूँ, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसी प्रकरण से संबंधित आज उसी के घर में एक दादा उसके एक्सपायर किए, और लड़कों ने जब FIR करवाया उस घर के लोगों ने, जिस पे उनको शंका था कि इन्होंने हमारे दादा की हत्या की है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जिसके घर घटना घटी हुई है उसी को आज जेल ले जाया गया। तो इस घटना से हम लोग काफ़ी आक्रोशित थे यहाँ के लोग, और जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो मैं आई न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कि कोई निर्दोष जेल न चला जाए। जो लड़का मृत हुआ है सत्येंद्र कुमार बिंद, उसकी पूरी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको चाहूँ तो उसकी पूरी उसका जो भी बयान है रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हम लोग का यही कहना है कि जो भी निर्दोष है उसको जेल न भेजा जाए, और यदि वो गलत किया है, जो अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो उसके हक की लड़ाई लेने के लिए हम लोग ऊँचे स्तर तक जाने में भी लापरवाही नहीं करेंगे और निचले स्तर पर भी जाने में हम लोग कोई संकोच नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।